श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज के लिए, T20 सीरीज के लिए और वनडे टीम के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, शॉकिंग बदलाव हैं जो आप देखेंगे तो कहेंगे यार ये कैसे हो गया। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और पहले T20 की टीम जो अनाउंस हुई है उसके बारे में बात करते हैं, बताते हैं कौन कौन से प्लेयर इन हैं, कौन कौन से प्लेयर आउट हैं। सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया गया है, हार्दिक पांड्या से कैप्टनसी छीन ली गई है, उनसे ले ली गई है बोल सकते हैं। अब बात करें, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है और यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है, रियान पराग हैं, ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, संजू हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, रवि विश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह हैं, खलील अहमद हैं और मोहम्मद सिराज हैं। तो यहाँ पे ब्रेक दिया गया है, रेस्ट दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। इस टीम में आपको नहीं दिखेंगे कुलदीप यादव भी, T20 की जो स्क्वाड है उसमें कुलदीप यादव का भी नाम नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है, अभिषेक शर्मा नहीं है और युजवेंद्र चहल भी नहीं है, मुकेश कुमार का भी नाम यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उनका भी नाम नहीं है। तो बहुत ही बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। अब बात कर लेते हैं वनडे टीम की, तो वनडे टीम में भी वन नेम जो है मिसिंग है, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या जो वाइस कैप्टन थे केएल राहुल के बाद वाइस कैप्टन उनको बनाया गया था। कई बार तो ये भी देखा गया था कि केएल राहुल कैप्टेंसी करते हुए नज़र आ रहे थे जब रोहित शर्मा नहीं थे अवेलेबल। तो बात करें, शॉकिंग अपडेट यहाँ पर भी है, ODI स्क्वाड में भी है। तो रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन चुना गया है, विराट कोहली हैं, केएल राहुल विकेट कीपर हैं, ऋषभ पंत हैं, श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है और शिवम दुबे हैं, कुलदीप यादव हैं, मोहम्मद सिराज हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, अर्शदीप सिंह हैं, रियान पराग हैं, अक्षर पटेल हैं, खलील अहमद हैं और हर्षित राणा हैं। तो KKR के मेंटर रह चुके हैं गौतम गंभीर, तो KKR के प्लेयर यहाँ पे चांस मिल गया है, ब्रेक मिल गया है एक तरीके से कहें तो, ब्रेक मीन्स चांस भी बोल सकते हैं। तो हर्षित राणा हो चाहे श्रेयस अय्यर हो, तो टीम में वापसी हुई है श्रेयस अय्यर की, हर्षित राणा को भी टीम में जगह मिल चुकी है, तो कमबैक हो चुका है श्रेयस अय्यर का। और यहाँ पे भी बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिले हैं, जैसे कि नाम नहीं है हार्दिक का, नाम नहीं है रविंद्र जडेजा का। रविंद्र जडेजा ने T20 से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की थी, बट यहाँ पे वो खेल सकते थे और उनको चांस दिया जा सकता था, पर यहाँ पे उनको सीधे ड्रॉप किया गया है या क्या बात है, रेस्ट दिया गया है ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मोहम्मद शमी के बारे में भी कोई बड़ी अपडेट नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं निकल के आई है, वो भी अवेलेबल नहीं है, तो उनकी भी टीम में जगह नहीं बनी है। और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है, कुलदीप यादव का यहाँ पर नाम है, और बात करें चहल का कहीं पे भी नाम नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम नहीं है जबकि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, पर नाम नहीं है। तो बहुत सारे बदलाव हैं और ये थी टीम। अब देखने वाली बात ये होगी कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी, बहुत बड़ी टीम से हमारा मैच नहीं है, श्रीलंका के अगेंस्ट ये मैच है, सीरीज़ है, तो होपफुली टीम इंडिया इस मैच को, इस सीरीज़ को जीत जाएगी। और वेस्ट इंडीज़ हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे श्रीलंका हो, तो इन सब टीमों के अगेंस्ट हम इजीली जीत जाते हैं। लेकिन गौतम गंभीर ने कहा था, जैसे विराट कोहली की बात की जाए और रोहित शर्मा की बात की जाए, तो ये लोग रेस्ट पे थे और छुट्टी चाह रहे थे और छुट्टी मिली भी थी। और रोहित शर्मा की बात की जाए तो रोहित शर्मा US में थे और विराट कोहली जो मीन्स अभी भी हैं वो जल्दी आ जाएंगे, और विराट कोहली लंदन में हैं, तो दोनों अपने फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। तो गौतम गंभीर ने कहा कि भाई मुझे फुल स्ट्रेंथ टीम चाहिए, तो आप लोग अवेलेबल हो जाओ श्रीलंका सीरीज़ के लिए, तो विराट कोहली को और रोहित शर्मा को कैप्टन को वापस आना पड़ेगा और सीरीज़ में पार्टिसिपेट करना होगा श्रीलंका की अगेंस्ट।